कांग्रेस पार्टी कहीं पिछड़ते हुए हनुमान के नाम पर दिखाई दे रही थी, इसी वजह से कूद पड़ी हनुमान चालीसा लेकर। चित्रा जी, सबसे पहले आपका, आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि कांग्रेस की ना दिल्ली ना केंद्र ना नगर निगम में सरकार है, ना चांदनी चौक में विधायक है, ना पार्षद है, ना सांसद है, उसके बावजूद आपने कांग्रेस को इस डिबेट में शामिल किया, आपका धन्यवाद। और कांग्रेस ने मुझे इस डिबेट के लिए चुना, इसलिए कांग्रेस का भी धन्यवाद, क्योंकि इस चांदनी चौक की मैं विधायक रही हूँ, मैं एक एक बारीकी को जानती हूँ। आज अनिल चौधरी जी की अध्यक्षता में जो हुआ है चांदनी चौक में, उसका एक ही मकसद था, धार्मिक उन्माद जो फैलाने की कोशिश आम आदमी और भाजपा द्वारा की जा रही है उसे नाकाम किया जाए, नंबर एक। नंबर दो, इन दोनों को बेनकाब किया जाए कि किस तरीके से इनके वहां पर स्थानीय नगर निगम पार्षद है, इनके विधायक आम आदमी पार्टी के, इनके सांसद है, उन सबके होते हुए ये सोते रहे और एक मंदिर जो है वहां पर तोड़ दिया जाता है और उसके बाद ये राजनीति करने चाहते हैं। और हमारी आज फिर यही मांग है कि धार्मिक जो हमारी रिलीजियस कमेटी थी विधानसभा की, जिसमें मैं भी सदस्य थी, हमारे सामने ये मामले आए थे जब मैं विधायक थी, हमारी कोशिश बिल्कुल रही कि बातचीत से रास्ते निकालेंगे, वैकल्पिक जगह इन्हें दी जाएगी और उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। अलका लांबा जी, की बात है, कहीं पर विकास का काम चल रहा हो, कहीं रोड बनाना हो या दूसरा कोई काम हो, वहां पर भगवान चाहेंगे क्या कि हम आड़े आ जाएं? नहीं, कोई नहीं, कोई भगवान नहीं चाहेगा आड़े आए। भगवान को क्यों बीच में ला रहे, भगवान कहाँ से आड़े आ रहे हैं, आड़े तो राजनीति आ रही है। नहीं नहीं, आप लोग भगवान के नाम पर तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। नहीं, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, हम तो ये कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर भाजपा राजनीति करती थी, अब तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी भी जो है कूद चुकी है। मंदिर चाहते तो बचता, मंदिर नहीं चाहते थे ये बच्चे, इन्होंने उसे अतिक्रमण बताया, उसे हेरिटेज नहीं बताया। मैं विधायक रही हूँ, लाल किले से शुरू करिए, दिगंबर जैन मंदिर से गौरीशंकर मंदिर, आपका शीशगंज गुरुद्वारा, सेंट स्टीफन चर्च, चर्च में जाइए, सेंट स्टीफन ऐतिहासिक है, हेरिटेज है, वहां पर अतिक्रमण करके बिल्डर दुकानें बना रहे हैं। अभी की बात है, इन दोनों के अंदर हो रहा है, आवाज नहीं उठ रही, मोटा मुनाफा पैसा पहुंच चुका है। तो किसने गिरवाया, बीजेपी ने या आम आदमी पार्टी ने? जल्दी से उसके बाद दोनों पार्टियों के पास में जाऊंगी, किसने गिरवाया? दोनों की सहमति से गिरा है और दोनों अब ढोंग और तमाशा कर रहे हैं, धर्म की राजनीति करके उन्माद फैला रहे हैं, दोनों की सरकार नगर निगम और केंद्र में। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।